कहाँ से लाई तू? बापूसा लेकर आए मेरे लिए, तुम्हारे सामने तो दी थी मुझे। ये देखो कितना महंगा हार दिया है, आप इसे वापस कराओ। वापस करा? पर क्यों? देखो कोई तीज त्योहार हो तो बात समझ में आए, पर आते जाते इतना महंगा तोहफा देंगे तो उसका बदला चुकाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बदला चुकाने की क्या बात है भगवती? आप ना समझो, हम लड़की वाले हैं, लड़के वालों से कोई चीज ना ले सके, और अगर ले तो उससे भी बड़ी चीज लौटानी पड़े, और उतनी हैसियत नहीं हमारी। तो समधी जी की दी हुई चीज वापस करके उनका अनादर करेगी? अक्कल है या नहीं? समाज में जो चाले मैं उसी की बात करूं। अरे समधी जी प्यार से अपनी बहू के लिए लेकर आए, और हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारी बेटी के ससुराल वाले उसको इतना प्यार करते हैं। अभी से लक्ष्मी का रूप मारने लगे उसे, तब भी खुश नहीं है तू? नहीं खुश हूं मैं, खुश हो भी नहीं सकती, क्योंकि रिश्ता बराबरी वालों में होता है। वो लोग जितना दे रहे हैं उतना तो खरीदने का भी नहीं सोच सकते हम लोग। आज भी कवर साहब के लिए क्या भेजा हमने? एक मामूली पैंट और शर्ट का कपड़ा? उनकी भेंट के सामने हमारी भेंट का क्या मोल है बताइए? अब भेंट का मोल भाव नहीं देखा जाता भगवती, और ये छोटी छोटी बातें जो है, छोटी छोटी बातें ही धीरे धीरे हमारी छोरी की जिंदगी खराब कर देगी। आप ना समझो, सोच सोच के कांप उठती हूँ अंदर से मैं। जब से छोरी के सासरे से आई हूँ एक दिन चैन से नहीं सोई। हमारी उनकी कोई बराबरी नहीं, आकाश पाताल का अंतर है। आज भले वो हमारी छोरी को लक्ष्मी का रूप कहे, पर कल जब लेन देन की बात आएगी और हम कमजोर पड़ जाएंगे, तब हमारे साथ साथ हमारी छोरी की इज्जत भी कम हो जाएगी। इसी बात का डर लागे मने, उस महल में हमारी बेटी दासी बन के रह जाएगी। आप ही सोचो, एक ही छोरी है हमारी, क्या उस घर में खुश रह पाएगी? हमारा दिया दहेज देकर कोई उसे ताना नहीं मारेगा, बहुत पैसे वाले लोग हैं वो लोग, हम उनके सामने बहुत छोटे हैं। तू ठीक कहती है भगवती, कहाँ जा रहे हो? हमारी उनकी कोई बराबरी नहीं है। अब जा कहाँ रहे हो? हम उनकी बराबरी कर भी नहीं सकते। अगर तेरी बेटी उस घर गई तो दासी बढ़ के रह जाएगी, जो हमें मंजूर नहीं, इसलिए जा रहा हूं मैं। कहाँ जा रहा हूं? तेरी बेटी का रिश्ता तोड़ने। भगवान और नसीब जीवन में बार बार ऐसे अवसर नहीं देते भगवती। जलते हुए दीपक की कामना करने वाले के आंगन में अगर चांद उतर आए तो ये अनहोनी भाग्य से होवे, और तू उसे टुकराने को कह रही? मारे को बस मारी बेटी की चिंता हो रही है। अरे हमारी छोरी पर सौभाग्य की वर्षा हुई आनंदी की माँ, इतने धनी होने के बावजूद वो लोग खुद चलकर आए थे हमारे घर, और तूने देखा नहीं? समधी जी कितना प्यार करे अपनी बिटिया को, उसके बाद भी डर के मारे तेरी जान निकले जा रही है कि उस घर जाकर दासी बन जाएगी, तो मैं जाकर तोड़ आता हूँ। ना ऐसी अजूब बातें ना बोलो। अरे तो तू ही तो कह रही है मेरे को। के करूं, डर लागे छोरी की माँ हूँ मैं। छोटे घर की छोरियों को बड़े घर में बहू बनकर जाकर दुखी होते हुए देखा है मैंने। माँ बाप की खुशियां बेटी के आंसू बनकर बह जाते हैं। के काम का है रुपया अगर बेटी के आंचल में सुखी ना हो? सब लोग एक जैसे नहीं होते भगवती। हम लोग समधी जी की तुलना में गरीब सही, पर हमारी बेटी आनंदी अच्छे गुणों और संस्कारों की धनी है। अरे हमने जो उसको अच्छे संस्कार दिए हैं, बहुत सराहना होगी उसकी वहां पे। ससरे में एक बार गई तो सबका मन जीत लेगी वो, फिर वो गरीब की बेटी नहीं हीरा कहलाएगी, हीरा। और हमारे घर में हमारे परिवार में जो भी कमी है अपने मीठे व्यवहार से पूरा कर देगी आनंदी। तू क्यों चिंता करती है? अपनी बेटी पे इतना भरोसा है या नहीं?
बहुत दुखी करया मैं आपको, मारे को माफ कर दो। चलो अंदर चलो, खाना बना लूं मैं। जा। क्या मेरी सास मुझसे प्यार नहीं करेगी? चंपा भी कह रही थी कि सास कभी बहू से प्यार नहीं करती, पर मैंने तो उसे कह दिया कि मेरी सास मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो अच्छी नहीं है क्या बापू? नहीं मेरी लाडो, तेरी सास बहुत अच्छी है, तेरा बहुत ख्याल रखेगी। सच्ची बापू? हाँ, तेरे बापू ने कभी तेरे को झूठ बोला है? और हाँ, चंपा कभी कुछ बोले ना तो बोल देना उसको कि मेरी सास तेरी सास जैसी नहीं है, तो बिल्कुल माँ जैसी है। ठीक है? अरे आप आ गए, चाय ले आओ। हाँ ले। भैरों पांच लाख जोग जोग दियो। वल्डी में लेनदारी हो गई ठीक से? जी मासा। और कुछ वसूली भी होनी थी? हाँ मासा, वो भी हो गई। और जगदीशिया के सास ससुरा कुशल मंगल है ना? जी मासा। और थारी लाडेसर बहू वो भी ठीक ही होगी ना? मासा वो समधी जी के गांव से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि दो घड़ी मिल लेता हूं। उन्होंने जगदीशा के लिए कुछ भेजा भी है। कहने लगे खाली हाथ कैसे जाने दूं, कुंवर साहब के लिए कुछ तो लेके जाइए। कपड़ा तो बढ़िया है और इतना महंगा कपड़ा खरीदने वाले दिखते नहीं जो लोग। चलो अच्छा है, उन्हें समझ तो आ गई कि उनकी छोरी के सासरे में कैसे ओढ़ते पहनते हैं लोग।